हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा है नमक। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो या धर्म का, नमक है तो सबका भोजन पूरा है, नहीं है तो सब अधूरा है। लेकिन वायरल हुई खबर पर यकीन करें तो इसी नमक पर किसी की नजर लग गई है। सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर ने सनसनी मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि देश जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में नमक के संकट को झेल सकता है, लेकिन इस वायरल खबर का सच क्या है और क्यों फैल रही है ये नमक संकट की खबर, दिखाएंगे आपको। आपको हम तफसील से बताएंगे नमक संकट की वायरल खबर की सच्चाई। उससे पहले जरा इन पुरानी तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा। नमक संकट की खबर वायरल होने के बाद कैसे लोगों ने दुकानों के आगे लाइन लगा दी थी, नमक की लूट मच गई थी। दरअसल इस देश में कई दफा अलग अलग राज्यों में नमक संकट की खबर उड़ी, हालांकि हर बार ऐसी खबरें अफवाह साबित हुई। शासन प्रशासन लोगों को भरोसा देता रहा कि अफवाहों पर यकीन ना किया जाए, लेकिन लोग कहां सुनने वाले थे, वो तो दुकानों के आगे लाइन लगा चुके थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। नमक संकट की अफवाह के बाद कई जगहों पर हिंसा भी हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिर से नमक संकट की अफवाह ही उड़ी है, क्या फिर से किसी ने नमक संकट के अफवाह की साजिश रची है। जब पिछली बार नमक के खत्म होने की अफवाह उड़ी थी तब लोगों ने नमक को स्टॉक करके घर में रखना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार तो वायरल खबर ये दावा कर रही है कि अब संकट ज्यादा होगा, हो सकता है कि स्टॉक करने के लिए भी नमक ना बचे। सोशल मीडिया पर नमक को लेकर दावों से हर कोई हैरान है। आपको दिखाते हैं नमक संकट की पूरी वायरल खबर, वो वायरल खबर जिसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। नमक संकट से जुड़ी वायरल खबर में लिखा गया है कि इस बार वाकई देश में नमक की कमी हो सकती है, क्योंकि गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में लगभग 8 लाख टन नमक फंसा हुआ है। गुजरात में नमक की 20 रिफाइनरी हैं, जिनमें से 14 रिफाइनरी गांधीधाम के आसपास लगी हुई है। इन रिफाइनरियों में बड़ी मात्रा में नमक जमा है, लेकिन ट्रेनों के रेक उपलब्ध न होने की वजह से यह नमक देश भर में सप्लाई नहीं हो पा रहा। भारत में खरीफ की बुआई जल्द शुरू होने वाली है, जिसके कारण ज्यादातर रेकों को फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों की ढुलाई में लगा दिया गया है। वायरल हुई खबर में दावा किया गया है कि करीब 17 लाख टन उर्वरक कई बंदरगाहों पर रखा हुआ है और खरीफ की बुआई से पहले इसे देश के सभी हिस्सों में तेजी से पहुंचाया जा रहा है। उर्वरकों की ढुलाई को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसकी वजह से 8 लाख टन नमक का स्टॉक फंसा हुआ है। इसी वजह से आने वाले दिनों में देश में नमक की कमी हो सकती है। जाहिर है पहली नजर में ये दावा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन ये भी है कि फर्टिलाइजर को तय वक्त पर हर जगह पहुंचाने की कोशिश में नमक की गाड़ी पीछे छूट सकती है। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो इस वायरल खबर में ही उसके जवाब भी छिपे हैं, जैसे क्या पूरे देश भर में गुजरात से ही नमक सप्लाई होता है और क्या नमक को सप्लाई करने की अकेली जिम्मेदारी रेलवे पर ही है। नमक संकट से जुड़ी वायरल खबर की पड़ताल के दौरान हमने नमक को लेकर अपने देश की नीति नियम और स्थिति सब कुछ खंगाल डाला। जो जानकारी हमें मिली वो चौंकाने वाली थी। चीन और यूएसए के बाद भारत नमक पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। भारत का नमक कई देशों में निर्यात किया जाता है। गुजरात में देश का 76.7% नमक बनाया जाता है, बाकी बचा 2.28% नमक देश के बाकी राज्यों में बनाया जाता है। आंकड़े यही गवाही देते हैं कि नमक बनाने के मामले में हम दुनिया के सैकड़ों देशों से आगे हैं। हमारा नमक दुनिया के कई देश खाते हैं, फिर वायरल खबर में यह दावा क्यों किया गया है, नमक संकट पैदा होने वाला है। रिसर्च से ये बात पक्की हो चुकी थी कि नमक बनाने के मामले में अपने देश का राज्य गुजरात सबसे आगे है,
वायरल हुई खबर में भी दावा किया गया था कि गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में लगभग 8 लाख टन नमक फंसा हुआ है, और वो भी इसलिए क्योंकि रेलवे को खेती वाले इस सीजन में देश के कोने कोने में फर्टिलाइजर पहुंचाना है। वायरल हुई खबर में यह भी दावा किया गया था कि गांधीधाम में नमक का ढेर लग गया है क्योंकि इसे ले जाने के लिए ट्रेन के कोच उपलब्ध नहीं है। नमक संकट से जुड़ी वायरल खबर की पड़ताल के लिए हमने अहमदाबाद में वेस्टर्न रेलवे के DRM दिनेश कुमार से संपर्क किया। हमने उनसे वो तमाम सवालों के जवाब मांगे जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे थे। क्या वाकई में देश नमक संकट की ओर बढ़ रहा है? देखिए, नमक की लोडिंग पिछले साल के बनस्पत करीबन 9-9.5% कम हुई है, ये एक फैक्ट है। लेकिन देश में किसी भी राज्य में नमक की क्राइसिस होने ही है, नमक नहीं है इसकी जानकारी कम से कम मुझे नहीं है। और जो खाने वाला नमक है उसके लिए एक विशेष अलग विभाग है केंद्र सरकार में जो नमक के मूवमेंट को मॉनिटर करता है, और उनके तरफ से मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। क्या वाकई में नमक पहुंचाने के लिए रेल वैगन उपलब्ध नहीं है? मेन कारण यह है कि नमक कवर्ड वैगन में लोड होता है, और कवर्ड वैगन का जो हमारे यहाँ जो आता है दूसरे रेलवे से वो कम आ रहा है। करीबन लगभग पिछले वर्ष के वनस्पत करीब 20-25% कम आया है वैगन, MT वैगन। इसलिए हम जितना डिमांड है नमक लोडिंग का उतना हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये साफ हो चुका था कि नमक की लोडिंग पिछले साल की तुलना में इस बार 9% कम हुई है, लेकिन सवाल है कि क्या 9% कम लोडिंग होने से देश में नमक संकट पैदा हो सकता है? रेलवे के अधिकारी दिनेश कुमार ने हमें ये भी बताया कि देश में नमक बनाने और इसकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केंद्र सरकार में एक अलग विभाग है जिन पर नमक से जुड़ी सारी अहम जिम्मेदारी है। रेलवे के अधिकारी के बयान ये वायरल खबर का एक मजबूत आधार दिख रहा था। देखिए, नमक जो खाद्य नमक है उसका जो अलॉटमेंट होता है वो आता है, उस विभाग से हमें मैसेज आता है कि नमक लोड करना है, और उसके तरफ से हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि नमक की देश में कहीं बहुत क्राइसिस हो रही है क्योंकि लोडिंग नहीं हो रही है। नमक एक ऐसी चीज है जिसके निर्माण, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है, यानी पूरी नमक इंडस्ट्री को चलाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। केंद्र सरकार ही तय करती है कि किस राज्य को कितना और कब नमक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले सॉल्ट कमिश्नर पर अहम जिम्मेदारी होती है। सॉल्ट कमिश्नर पर ही नमक के निर्माण, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को तय करने की जिम्मेदारी होती। सॉल्ट कमिश्नर का सेंट्रल ऑफिस जयपुर में है। इसके अलावा अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और इन्हीं पर है देश में नमक से जुड़े हर फैसले लेने की जिम्मेदारी। इसी के साथ सॉल्ट कमिश्नर के ऑफिस से ही तय होता है कि देश के किस कोने में रेलवे से नमक कब और कितना पहुंचाया जाएगा। क्या नमक की लोडिंग से जुड़ा फैसला आने में देरी हो गई है? हमारे राज्यों के पास नमक का कितना स्टॉक है और सब